हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और वेलकम है आपका मनीषा की दुनिया चैनल पे। तो आज मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पागलों जैसी हाल क्यों बना के रखी हूँ, ये हेयर ऐसे क्यों बना के रखा हो। तो ये भी एक स्टाइल है, हेयर स्टाइल है, वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। वीडियो लास्ट तक देखते रहे। और अभी मैं खाली बैठी हूँ, फ्री बैठी हूँ, तो सोचा कि क्या करूँ। सोचा अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा मेकअप के टिप्स जो है वो शेयर करूँ। जैसे आप अगर दिन में ऑफिस जाते हो या कहीं बाहर जाते हो तो लाइट मेकअप होता है, तो बस वही लाइट मेकअप ही आपको बता रही हूँ कि कैसे किया जाता है, जैसे मैं करती हूँ। बेसिकली मेरे पास, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास तो ये पॉन्स का मॉइस्चराइज़र है। अगर आपके पास क्लिनजिंग मिल्क है तो आप उससे भी फेस क्लीन कर सकते हो। तो ये इससे आप कॉटन के उससे पूरा फेस को अच्छी तरह से पहले क्लीन कर लो, जितनी भी गंदगी है वो निकल जाएगी, अच्छी तरह से निकल जाएगी। और आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप टोनर से पहले क्लिनजिंग करो, उसके बाद एस्टिंजन है उससे करो, उसके बाद मेकअप आप अप्लाई करो, उससे पसीना कम आता है। तो ये हमारा हो गया पूरा क्लीन हो गया। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का सीसी क्रीम, 9 to 5 सीसी क्रीम है। इसको लगाने के बाद गाइस ग्लो बहुत अच्छा आता है। और इसको लगाने में कुछ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे प्राइमर, फाउंडेशन और बहुत कुछ होता है, वो सब पार्टी वेयर है, मेकअप के लिए यूज़ होता है। ऐसे आप घर में नॉर्मली कहीं आ रहे हो जा रहे हो तो ये यूज़ कर सकते हो। तो चलो इसको लगा लेते हैं अपनी, और ये आपको अपनी स्किन टोन के हिसाब से लेनी है। इसको फिर मेरे पास तो ब्लेंडर है नहीं, तो मैं इसे अपनी हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। तो ये हो गया हमारा मिक्स। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का परफेक्ट रेडियंस कॉम्पैक्ट है। ये लैक्मे का परफेक्ट रेडियंस कॉम्पैक्ट, इसमें SPF 25 है। ये बहुत अच्छा है, ये आपको UV प्रोटेक्शन भी करता है। जब आप धूप में कहीं बाहर निकलते हो तो टैन हो जाता है, टैन नहीं होगा। तो वो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ। ये भी आप अपने स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हो। तो चलो इसको लगा लिया जाए। तो अभी मेरा कॉम्पैक्ट लग चुका है, ये देख सकते हो आप, लग चुका है। तो चलो अब आईब्रो, तो लाइट आईब्रो पेंसिल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये था, कौन सा ये भी नहीं मुझे पता, ये इसका नाम उठ गया है। तो इसे हम लाइट कर दे रहे हैं। तो ये आईब्रो लग गई। अब हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे काजल। तो चलो जल्दी से काजल लगा लेते हैं। मेरे पास ये है पारस कंपनी का काजल, ये भी बहुत अच्छा ब्रांड का। आप चाहे तो एलेटीन का यूज़ कर सकते हो, लैक्मे का, वो भी बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा देर तक रहता है, 24 आवर्स। तो चलो गाइस काजल लगा लेते हैं। तो ये मैंने काजल लगा लिया है, आप देख सकते हो लाइट काजल लगा चुका है। उसके बाद
हल्का सा, अभी डे का टाइम है तो ज़्यादा आई शेड यूज़ नहीं करते, तो हल्का सा आप कोई भी लाइट शेड ले लो। मैंने यहाँ पे लाइट पिंक कलर का लिया है, बस इसे अपनी फिंगर से लगा रही हूँ। ये फिंगर से लगाने में ज़्यादा आसान होती है। तो ये लग चुकी है, आप देख सक रहे हो अच्छे से लग रही है। और मेरे पास है ये टच एंड फ्रेश पाउडर है, ये पिंक कलर का है, दिख रहा होगा आपको शायद, पिंक कलर, पिंक शेड का है। ये लाइट से लगा लेंगे, स्किन थोड़ी ग्लो करे। नोज पे, चिक्स पे, तो ये लगा लिया मैंने।